इंस्टाग्राम पर जब भी आप अपने फॉलोअर्स डाउन होते देखते हैं, मतलब रेड लाइन ऊपर हो जाती है, ग्रीन लाइन से नीचे, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप चिल्लाते भी हो और इसके साथ साथ आप उदास भी हो जाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, भाई किस तरीके से हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ग्रीन लाइन ऊपर आएंगी और उसके साथ साथ हमारी रीच भी डाउन हो रही है, तो उससे भी हम किस तरीके से बढ़ाया जाए। भाई पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ ना मैं आपको, और इसे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है फॉलोअर्स कम ज़्यादा होते रहना ये नॉर्मल है आपका अकाउंट, और अगर आपकी ग्रीन लाइन्स ऊपर ही है, मतलब फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और दो तीन फॉलोअर्स या 100-200 जितने भी आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उससे कम ही आपको लोग अनफॉलो कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, 200 लोग अनफॉलो कर रहे हैं, भाई टेंशन की तो बात होती है ना। एक वक्त आता है कि भाई डाउन होते होते आपकी आईडी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपकी आईडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आगे जितने भी वीडियोज डालते हैं उस पर व्यूज़ नहीं आते। आप बोलेंगे बिल्कुल ये तो सही बात है, तो क्या किया जाए, मैं आपको इंस्टाग्राम पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जस्ट हमारे पास दूसरे दूसरे कॉल ही आने लग जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, ये एक अकाउंट है हमारे, मान के चलिए 1,84,000 इतने ज़्यादा इनकेस में है। हाँ पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया एक नया अपडेट्स आने वाला है, जिसके कारण आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, यहाँ से आप नीचे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपको फॉलोअर्स एंड इनवाइट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा स्पैम फॉलोअर्स कितने हैं आपके इसमें, ठीक है। आप उससे क्या बोलते हैं हटा भी सकते, अभी एंड्रॉयड के लिए नहीं आया, ये सिर्फ आईफोन वालों के लिए आया है, तो आप अपनी आईडी आईफोन पे डालकर जरूर चेक कर लेना और मुझे जरूर बताना आपके इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इनकी आईडी, थोड़ा सा वेट करते हैं, उससे पहले मैं क्या करता हूँ 3 डॉट पर लेकर चलते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। अकाउंट स्टेटस जरूर चेक करना, अगर आपको लगता है कि भाई आपके अकाउंट स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब भाई रिमूव कंटेंट हो चुका है और वो ठीक नहीं हो, तो भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि व्हाट कांट बी रिकमेंडेड ये आपका राइट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल फॉलोअर्स तक आपके वीडियोस नहीं जाएंगे, तो ऊपर का अगर ऑरेंज भी है और अगर हटता है तो ठीक है, नहीं हटता तो भाई छोड़ दो उसको, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, उससे आपकी आईडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आप टोटल फॉलोअर्स चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर रेड लाइन आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है। आप पूछेंगे बिल्कुल यार ये रेड लाइन तो ऊपर दिखाई दे रही है, कब से दिखाई दे रही है, मान के चलिए यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ ये दिखाई दे रही है आपको 20 नवंबर के आसपास, मतलब ये रेड लाइन ऊपर जा रही है। पर अगर मैं यहाँ से 90 डेज का चेक करता हूँ तो भाई इसके पहले भी हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये अभी यहीं से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। अगर मैं 14 डेज का चेक करूँगा मुझे पता तो चलना चाहिए भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हाँ रेड लाइन ऊपर ही है, मतलब 14 दिन पहले से हमारे इसमें प्रॉब्लम आने लग गया। अभी प्रॉब्लम कैसे आई है, यहाँ पर मैं चेक करने के लिए मैं हमेशा हर चीज़ें चेक करता हूँ, ठीक है, मोनेटाइजेशन स्टेटस पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ देखिए यू आर एबल टू रिक्स फॉर बींग एबल टू मोनेटाइज विद द समटूल, भाई रिक्स पर है आप, इन एलिजिबल कभी भी हो सकता है, मतलब बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिक्स कायम दिया है गिफ्ट में, और दिया कायम है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, भाई 90% लोगों के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है, आपके साथ हुआ है कमेंट करना कि भाई आपके कितने कंटेंट वॉल्यूशन में गए, एक गया, दो, तीन, चार, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर बाजू में नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आपका तब तक ये ठीक नहीं होगा जब तक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में जो वीडियोस है उसे हटाया नहीं जाता। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसमें जो वीडियोस आता इंस्टाग्राम आपसे बिना पूछे हटा देता है, बस आपको बता देता हमने ये वीडियोस हटा दिए, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे थे। पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में आपको वक्त दिया जाता है कि भाई आप जाकर डिलीट कर दो वरना आपके अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, कब आ गई ये प्रॉब्लम, भाई 16 नवंबर, मतलब 20 नवंबर में हमारी आईडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, 16 नवंबर में ये वीडियोस ने हमारा भाई अच्छा खासा अकाउंट को खराब कर दिया। रिव्यू रिक्वेस्ट, भाई रिव्यू रिक्वेस्ट गलती से भी मत करना, आप बोलेंगे रिव्यू रिक्वेस्ट भाई मेरा वीडियोस मुझे मिल जाए ऐसा नहीं, भाई अगर आपके 100 वीडियोस है एक आप कुछ गलती कर रहे हैं उससे आपका अकाउंट खराब हो रहा है तो भाई वो एक गलती को हटा दो ना, बाकी तो आपके वीडियो सेफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करके चेक करता हूँ तो यू हैव रिव्यूड योर रील्स एंड फाउंड दैट इट डजंट फॉलो अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, भाई कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज नहीं कर रहा है, एक बार आपने रिव्यू कर चुके हो 90 दिन का टाइम लेने के बाद आप किसने आ रहा कब है 16 नवंबर ये वाला वीडियो से एक गर्ल्स डांस कर रही वो साइड फेस करके ढूंढना पड़ेगा उसको, मैं सबसे पहले ढूंढूंगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, 15 को वीडियोस डाले होंगे, 16 को इन्होंने किया तो 15 तारीख को हमारे वीडियोस मिलना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम कम है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पर, अब मान के चलिए ये वीडियोस तो नहीं, ये नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इन साइट पर कब डाला था मैंने वीडियोस, ये डाला था 18 नवंबर, मतलब 2 दिन पहले 16 नवंबर की। हाँ ये देखो ये वीडियोस है, ठीक है, ये डांस कर रही है, हाँ इसमें ड्रिंक का काम हो रहा है ना, मतलब जो भी है भाई शो थोड़ी ना हो रहा है, तो ऐसे ऐसे वीडियोस डालेंगे तो भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई ना। 16-15 नवंबर, हाँ बिल्कुल यही वीडियोस है, देखिए यही वीडियोस है ना,
अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा भाई, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से हमारी आईडी में प्रॉब्लम हो रही है एक वीडियो की वजह से। क्लिक, ओके, डिलीट। 30 दिन में भाई हमको अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वरना आगे चल के हमारी आईडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएंगे। इसे मैंने कर दिया डिलीट, चेंज। अब डिलीट हटाना है तो भाई आप वहाँ पर जाके भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसे हटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा तो योर एक्टिविटीज़ रिसेंटली डिलीटेड, मैंने क्या क्या डिलीट किया, यहाँ पर आपको वो वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है, रील्स, ये वाला वीडियोस जो हमने डिलीट किए थे। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लिक करके उसे यहाँ से भी हटा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये वीडियोस यहाँ से परमानेंटली हटाना है, तो आप यहाँ पर करके क्लिक करके उसे डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली यहाँ से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिलीट करना ज़रूरी है आपका अकाउंट सेव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से, यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्फर्म इट इज़ योर परमानेंट है, तो आपको ये दोनों में कहीं पर भी एक OTP आएगा, वहाँ से आप इसे डिलीट कर दोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अगर हमने यहाँ से हटा दिया, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा वहाँ से। अब हम जाकर चेक करते हैं क्या, यहाँ पर मैंने क्लिक किया सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, क्रिएटर टूल्स, मोनेटाइजेशन स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए एक कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा, एड ट्रिक्स है, और ये जो एड ट्रिक्स है वो बाद में चल के हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जा रहा हूँ। जाने के बाद यहाँ पर, अरे उन्हें तो हटा ही दिया ना, यहाँ से हमारा गिफ्ट में मिला था और गिफ्ट से हटा दिया, भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई आप ऐसी चीज़ें मत रखा कीजिए जिससे आपकी आईडी में प्रॉब्लम होते रहती है, बाद में आगे चल के क्या होगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा आपके, इसमें प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी गिफ्ट्स का हटा देते हैं। आपने बहुत लेट कर दिया, पर जल्द से जल्द कर देना चाहिए था, 16 नवंबर अभी कौन सा चल रहा है भाई, दिसंबर चल रहा है, तो इस तरीके से ये गलती आपको सुधारना है। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, आप ज़रूर चेक करना आपके वीडियोज़ में, यहाँ पर देखिए व्यूज़ सही आ रहे थे, हमने जो वीडियोज़ हटाया यहाँ पर वो वीडियोज़ था, ठीक है, यहीं पर वीडियोज़ था वो। फिर उसके पहले अगर हम चेक करते कोई वीडियोज़ हमारा वायरल हुआ था कि उससे हमारी आईडी में पता चल जाएंगे भाई ठीक है कि नहीं, जो मिलियंस में गया हो, ठीक है। 13 यहाँ पर हमारे इसमें, हाँ 30 ये गया है हमारा, 31 लैक्स, ठीक है, 3.1 मिलियंस, मतलब 31 लैक्स के आसपास हमारे ये वीडियोस जा चुका है, 31 लैक्स। और उसके बाद हमारा कुछ वीडियोस, हाँ यहाँ पर 30,000, 21,000, ये नॉर्मल है, 5 लाख बिल्कुल सही, और चेक कर लेता हूँ 2-3 नीचे, 3 लाख सही है, 11 लाख, 1 मिलियंस ये भी सही है, ठीक है। इसका मतलब हमारी आईडी में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने हटा दिया, अब हमारी आईडी में यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमारे आप फॉलोवर्स क्या होंगे, नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, तो इसे आप थोड़ा सा ज़रूर सुधार लेना। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये आप वीडियोस डालेंगे तो हमारे अनफॉलो करने वाले संख्या कम हो जाएंगी, क्योंकि इसकी वजह से लोगों तक नहीं जाता, जो लोग हमें फॉलो करते वो अनफॉलो करने लग जाते, स्पैम भी रहता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ, दूसरी आईडी पर लेकर चलता हूँ, जो भी एक हमारे पास आईडी है, इनकी रीच जो है 9.1 मिलियन से काफ़ी अच्छी है, यानी इनकी रीच बढ़ रही है या कम हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा। अकाउंट रिच 61% से ये बढ़ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में रहा तो भाई प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर 91,000 है इनकी रील्स, यहाँ पर जस्ट अभी वायरल हुई है। यहाँ पर मैं जाता हूँ टोटल फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स हमेशा बड़े हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 90 डेज में क्या चल रहा है, इनके फॉलोअर्स फिर से कि बढ़ रहे हैं। हाँ, अब आप पूछेंगे सर, अब हम मान के चलिए कोई भी हमारे इसमें गलती नहीं है, उसे कैसे करा जाए, मतलब कैसे हमारे फॉलोअर्स रुका जाए, हमारे फॉलोअर्स कम ना हो, भाई आप अपनी रील्स को वायरल कीजिए। आप बोलेंगे सर इसके अलावा, क्योंकि रील्स तो हमारे से वायरल हो नहीं रहे, तो भाई मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही काम की ट्रिक्स है। आप क्या कीजिए, कुछ 5 to 7 seconds, 5 से 60 सेकंड का वीडियोस बनाइए और इतना धमाकेदार बनाइए कि भाई लोग उसको 2-3 बार देख ले और उनको पता ही नहीं चल के भी वीडियोस खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, कुछ पता नहीं। मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए इनके 90 दिन से लेकर पूरे ग्रीन लाइन ऊपर ही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। अब मैं इनके व्यूज़ भी दिखाता हूँ। व्यूज़ मैंने हमेशा कहा है आपके फॉलोअर्स से कुछ महीनों के अंदर तो भी ऊपर जाना चाहिए, 78,000, 5,000, 5,000, 8,000, 11,000, 50,000, 19,000, हल्का सा जाके वापस आ गया, 9,000, 15,000, 81,000, ठीक है ऊपर गया है, 1 लाख, 1 लाख पे इन्होंने टच कर दिया, और 1 लाख पे टच कर दिया मतलब 78,000 से 1 लाख बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉन फॉलोअर तक हमारे वीडियोस अच्छे से जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये 1 लाख तक गया है, यहाँ पर मैं क्लिक किया रिकमेंडेड ऑन फेसबुक, ये वाला आजकल रिकमेंड कर देना अगर आपको लग रहा है, यहाँ पर मैं गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट रिच की तरह 1,88,000, 1,88,000, यहाँ से मैं नीचे करूँगा तो प्लेस के नीचे इनिशियल प्लेस मतलब कितना, 1,46,000 तो देखा जा रहा है, 1,46,000 ने देखे, पर उसमें से जो 41,000 है उन्होंने दोबारा देख लिए भाई, दोबारा, हाँ 41,000 लोगों ने दोबारा देख लिए, तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा 80 के ऊपर चले जा रहा है ना, मतलब इसके बाद के चलो 21,000 देख रहे हैं तो 41,000 हमें इसमें रिप्लेस मिल रहा है, तो 1,86,000 और
41,000 को मिला के 1,88,000 हमारे इसमें हो रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस कितना हो रहा है और कितना जाके इसमें जुड़ रहा है आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, वरना इसकी जो ओरिजिनल है वो है 1,46,000, पर ये 88,041 जो मिल रहा है वो रिप्ले दोबारा प्ले हो रहा है उसका मिल रहा है। वॉच टाइम इन्होंने क्या किया, 2-3 सेकंड तक 90% के ऊपर इनका रोटेशन चला, ठीक है। इस तरीके से ये दोबारा रिप्ले, हाँ कुछ कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ वीडियोस बड़े बनाए, अब वीडियोस जितने ज़्यादा छोटे बनाएंगे उतने ज़्यादा रील्स वायरल होंगे। अब मान के चलिए ये कितना इसमें बनाए, अच्छा ऑडियो इसका चले गया है, रिप्लेस कर सकते हो आप ऑडियो, यहाँ से दूसरा ऑडियो आपके इसमें मिल जाएगा, पर अभी नहीं करना है तो यहाँ से हमें क्या करता हूँ हटा देता हूँ, नहीं करता हूँ। इसमें कितने व्यूज़ आए हैं मान के चलिए 3,96,000, रिप्लेस कितना हुआ 23,000 हुआ इसमें, और वॉच टाइम भी अच्छा बना है पर रिटेंशन इसका 0.3 में 91% के ऊपर ही चल रहा है, मतलब लोगों ने 3 सेकंड तक देखे और 3 सेकंड वीडियोज भी इसका आप ज़्यादा कर ध्यान दीजिए इस तरीके से। और हाँ ट्रांजेक्शन वीडियोज रहते हैं इनके जितने भी है, ये कितना फास्ट हो रहा है और क्वालिटी देखिए, इस तरीके से वीडियोज बनाइए ना आप, लिखा भी हो सॉन्ग्स भी ऑसम हो, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए ट्रेंडिंग पर चल रहा है 87,000, ये जो भी है आर्टिस्ट ने पिक किया है इनकी ऑडियो का इस्तेमाल करके ये वीडियोस बना रहे हो, काफ़ी अच्छा वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है इस तरीके से। पर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा और आपको दूसरे अकाउंट दिखाऊंगा तो भाई उसमें आपके इसमें प्रॉब्लम ही आएगा। अब जैसे कि ये अकाउंट है इनके इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनके लिए भी मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, फॉलोअर्स अच्छे चल रहे हैं पर यहाँ पर अचानक से फॉलोअर्स इनके डाउन हो गए, वो गलती क्या है 7 दिन का देखते हैं भाई, यहाँ पर ऊपर हुआ था यहाँ पर नीचे हुआ था, 14 दिन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता 14 दिन पहले, नहीं यहाँ पर नहीं हुआ था 7 दिन पहले इनके इसमें प्रॉब्लम होने लग गया है, ठीक है। तो ये अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आगे चल के इनके फॉलोअर्स और ज़्यादा कम होने वाले हैं, भाई प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही रही है, चेक कर लेता हूँ ना क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम रहेंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर इधर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपका, कहाँ चले गया, यहाँ मॉडर्नाइजेशन स्टेटस, हाँ कम्युनिटी गाइडलाइंस, गिफ्ट्स भी हटने वाला है, सब्सक्रिप्शन भी हट जाएंगे इनका, कम्युनिटी गाइडलाइंस में कभी भी वायलेशन नहीं आना चाहिए, 31 अक्टूबर मतलब एक महीना पहले की बात है, ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के वजह से ही दूसरी चीज़ों में प्रॉब्लम आने लग जाएगा, इसे रिव्यू कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, सीधा कम्युनिटी गाइडलाइंस 90 दिन के बाद इसको फिर से रिव्यू पे डाल सकते हैं, बिकॉज योर कंटेंट डज नॉट फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस वी आर एबल टू अर्न मनी को थोड़ा सा कम कर दिया है और आगे चल के शायद गिफ्ट और सब्सक्रिप्शन में भी प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद ठीक करना भी जरूर, मैंने अप्लाई तो कर दिया था इनके लिए पर ठीक हो गया होगा उसमें भी क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है, हाँ रिकमेंडेड ऑन द फेसबुक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे कर देते हो डायरेक्टली यहाँ से बंद। अब आपको समझ में आ गया तो आप रिप्लेस पे ज़्यादा कर ध्यान दीजिए, आपके फॉलोअर्स जितने ज़्यादा बढ़ रहे उससे ज़्यादा कम हो जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स का मैं चैनल ऐसा समझना ऐसे फ्रेस में आप क्लिप बनाते रहते हो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।